अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दो घंटे का समय देता हूँ मैं अबीर को। अगर इन दो घंटों के अंदर अबीर ने अपने आप को पुलिस को सरेंडर नहीं किया तो मजबूरन हमें उसके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट निकालना पड़ेगा। उसे जेल में ही सड़ना पड़ेगा। जोर जबरदस्ती का केस है ये, और आप तो जानते ही हैं, ऐसे मामले जल्दी सुलझते नहीं। तुम दोनों हवेली के बाहर ही रुको, जैसे ही अबीर आए मुझे फौरन इतला कर देना। चलिए मैडम, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। ये तूने सही नहीं किया विधि। थारे से न्याय मांगने आई थी मैं। थारी शादी जबरदस्ती हुई थी ना, थारे पति की मर्जी के खिलाफ जाकर। कितने दिनों से जानती हूँ उन्हें, इतनी जल्दी इतना भरोसा कर लिया उनके ऊपर। हाँ, ज्यादा वक्त नहीं लगता इंसान पे भरोसा करने के लिए। अगर इंसान का मन साफ होना तो आंखें बंद करके उस पर भरोसा किया जा सकता है। जाते जाते एक और बात सुनती जा, हमारे पति निर्दोष है, उन्होंने कुछ नहीं किया। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, कानून आपके साथ है, आपको जरूर न्याय मिलेगा। चलो। एंड द अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस गोज टू दिव्या। बहुत ही अच्छा काम किया तुमने, जैसा हम चाहते थे बिल्कुल वैसा ही किया है तुमने। हम अबीर को तिल तिल कर मारना चाहते हैं। खैर, ये लो अपने काम की कीमत। थैंक यू। वैसे चाल तो आपने बहुत अच्छी चली है, पर आपने मुझे क्यों चुना इस काम के लिए? क्योंकि दिव्या, तुम कोई भी लड़की नहीं हो, तुम विधि की बचपन की दोस्त हो। और जब सबको पता चलेगा कि उसके कहने पे तुम अबीर से मिली, तो सब बरस पड़ेंगे उस पे। बेचारी किस किस को जवाब देगी? उसे तो ये भी नहीं पता कि बाजार में तुम्हारा उससे इत्तेफाक से मिलना। दिव्या, तू भी हमारी ही चाल थी। वो तो ठीक है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने तो 2 घंटे की मोहलत दी अबीर को। अब उसके बीच में विधि या किसी और ने उसे ढूंढ लिया और पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया तो अबीर को कोई नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि उसे गायब करने के पीछे भी हमारा ही हाथ है। हेलो त्रिशाला, आप कहाँ हैं? हम कब से आपको ढूंढ रहे हैं। और पूजा में क्यों नहीं गए? सब कुछ ठीक तो है? सब ठीक होता तो क्यों जाते हम? सच में अभी अपने ही प्यार को किसी और के साथ पूजा में देखते हुए हमसे रहा नहीं गया, इसलिए हम बाहर आ गए। सोचा कि ड्राइव पे जाएंगे तो थोड़ा सा मन हल्का हो जाएगा हमारा, लेकिन अभी हम यहाँ फंस गए हैं। हम जंगल की तरफ आए थे सुनसान रास्ते पे, और यहाँ पर हमारी गाड़ी बंद पड़ गई है। आप वहाँ क्यों गए त्रिशाला? आप एक काम कीजिए, वहीं रुकिए, हम आते हैं। आप बस कार से मत निकलिएगा। नहीं नहीं अबीर, अगर आप सबके सामने वहाँ से बाहर निकलेंगे तो 100 बातें बनेंगी, और किसी को ये मालूम पड़ा कि आप हमें बचाने के लिए आ रहे हैं तो बेफालतू में लोग बखेड़ा खड़ा करेंगे। तो अगर आप आ भी रहे हैं अबीर, तो इस तरह आइए कि किसी को पता ना चले। अच्छा, आप एक काम कीजिए, आप रुकिए, हम अपने कमरे की सुरंग से आते हैं। इस तरह तोमर खानदान का लाडला चिराग हमें बचाने के लिए घर से निकल गया और किसी को पता भी नहीं चला। और उसका फोन कैसे बंद हो गया? हमने किया था पूजा के दौरान।
ने अबीर का सेलफोन चार्जिंग से निकाल दिया था और उसके सेलफोन की बैटरी पहले से ही लो थी। और फिर उन्हें हमने इतना कॉल किया कि बेचारी बच्ची कुची बैटरी भी खत्म हो गई। और इस वक्त अबीर पागलों की तरह हमें उस जंगल में ढूंढ रहे होंगे। विशाला, मैं कहा था गाड़ी से नहीं उतरना, लेकिन उसके बाद भी इस फोन को भी अभी बंद होना था। अच्छा, जंगल में कहां चली गई होंगी? त्रिशाला, त्रिशाला, कबीर तो पारस के जाल में फंस चुका होगा। अब तोमर खानदान खून के आंसू रोएगा। ये 2 घंटे उनकी जिंदगी के सबसे लंबे 2 घंटे होंगे, क्योंकि ना अबीर घर तक पहुंच पाएगा और ना कोई अबीर तक। लो, हम सोच ही रहे थे कि अभी तक बुढ़िया का फोन क्यों नहीं आया हमसे मदद लेने के लिए। लेकिन अफसोस, आज नहीं, आज ना हम तक कोई पहुंच पाएगा और ना ही अबीर तक। अबीर का कब से फोन ट्राई कर रहे हैं हम, लेकिन उनका भी कॉल नहीं आ रहा। अबीर और त्रिशाला दोनों ने जाने कहां चले गए? क्या करें, हम कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो हम जानते हैं कि अबीर को बचाने के लिए त्रिशाला कुछ भी कर सकती, और अब अगर अबीर को कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ समधन सा और त्रिशाला है, क्योंकि सिर्फ उन्हीं की पहुंच इतनी दूर तक है। कौन बहू, जान पहचान की जरूरत गुनाहगारों को होती है, गुनाहों को नहीं। हमारे को अपने अबीर पर पूरा भरोसा है, अबीर को कुछ ना होगा। भाभी सर, मैंने अबीर के ऑफिस में फोन किया, वो वहां पे नहीं है, और उनके दोस्तों को और बाकी के लोगों को भी नहीं पता है कि वो कहां पे हैं। लेकिन गौर सा, अगर वो ऑफिस में नहीं है तो कहां होंगे, कहां ढूंढेंगे हम अबीर को, क्या करेंगे? हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। हमारा बेटा किस तरह की मुसीबत में फंसा है, हमारा बेटा कहां होगा? कि पानी पीजिए, सब ठीक हो जाएगा, बन्ना सर जरूर मिल जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। पहले आग लगाती हो, उसके बाद पानी भी लाती हो, तुम्हें क्या लगता है इतने बेवकूफ है हम कि हमारी समझ में नहीं आएगा ये सब किसने किया है? तुमने किया है सब, ये सब तुम्हारा किया धरा है। दोस्ती ना हो तुम्हारी, तुम्हारी दोस्त भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है, झूठी मक्कार धोखेबाज बिल्कुल तुम्हारी तरह। क्यों क्यों भेजा था उसे अबीर की ऑफिस? बोलो क्यों? बिगाड़ दी ना हमारी बेटी की जिंदगी, क्यों किया? डॉक्टर रुकुम, मारे को ना मालूम ये सब कैसे हो गया। चुप, सब कुछ जानती हो तुम, क्योंकि तुम और वो लड़की दोनों मिले हुए। सोची समझी चाल है तुम दोनों की,
सिर्फ इसलिए ना विधि, सिर्फ इसलिए कि हमारा बेटा तुमसे प्यार नहीं करता, त्रिशाला से प्यार करता, उसके साथ जिंदगी बिताना चाहता है, इसलिए बदला लेना चाहते हो ना तुम उससे। पहले भी दो बार तुमने उसकी जान लेने की कोशिश की थी। इस हवेली का तो पता नहीं, लेकिन अबीर की जिंदगी का सबसे बड़ा श्राप हो तुम, श्राप, समझी? कौन है बाबू? संभालो अपने आप को, गुस्से में आप कुछ भी बोले जा रही हो। दादा तो सा कहने दीजिए, ने एक माँ है, बस अपने बेटे के लिए परेशान है। अगर इनका मन हल्का होता है मारे को कुछ भी कहने से तो कहने दीजिए। ये अच्छाई का नाटक तो उनके लिए बचा के रखो जिन पे असर होता हो। हम पे तुम्हारे झूठे आंसुओं का कोई असर नहीं होगा, कभी भी नहीं। बचाओ, कोई है यहां? ले लीजिए, और काम होने के बाद और मिल जाएंगे। बस ऐसी दफाएं लगाइए उस अबीर पे कि वो हमारी जिंदगी से दफा हो जाए, बेल नहीं मिलनी चाहिए उसे। अरे सर सबर करो, सारा काम कानून के दायरे में होगा, और वैसे भी हमारे हाथ अभी बंधे हुए हैं सर। ये निशांत कुंवर साहब हवलदार साहब से क्या बात कर रहे हैं? कुंवर साहब कुछ पता चला? क्या बातें कर रहे हैं इनसे? हम समझाते हैं ना आपको, वो हवलदार वो अबीर बना का शर्ट मांग रहा था, कह रहा था कुत्ते को सुंघाएंगे और फिर अबीर बना को ढूंढ लेंगे, लेकिन हमने मना कर दी। हमने अबीर बना बिल्कुल बेकसूर है, उनके साथ हम ऐसा सुलूक कैसे होने देंगे बोलिए? और आप जाइए यहाँ से, हम संभाल लेंगे। लेकिन कुंवर साहब हम ऐसे कैसे कुछ नहीं कर सकते, बनसा का यहाँ ना होना ये उन पुलिस वालों का शक और पुख्ता कर रहा है। दो घंटे की मोहलत खत्म होने से पहले हमें बनसा को ढूंढना ही होगा, लेकिन कैसे? रैम्बो, आज मैं थारे सामने हाथ फैलाती हूँ बनसा के लिए। तू तो जानता है ना, तारे ऊपर जान छिड़कते हैं वो। थारे को रोज बिस्कुट खिलाते हैं। रैम्बो इसकी सुगंध लो और देखो बनसा का, उन्हें थारी जरूरत है, बनसा को ढूंढ निकाल। बचाओ, कोई है यहाँ? हमारी आवाज सुन रहा है कोई? है यहाँ? बचाओ। तो नहीं जाना चाहता, कहीं बनसा का पता तो नहीं चल गया? जी जी थारे को ना पता, थारे को यहाँ अपने घर में देख के ना मारे को कितनी खुशी हुई है, सब कुछ बदल गया जीजी, पर हम दोनों का प्यार ना बदला। ये सब बातें बनाना बंद करो,
हमें बस अबीर के बारे में बताओ इस वक्त बस। उसकी फिक्र ना करो जीजी, वो तो हमारी कैद में है। ये सब तो ठीक है, अबीर हमारे कब्जे में है, लेकिन विधि, विधि इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। हमारे को मालूम है जीजी, ये काम इतनी आसानी से ना होगा। जैसे आप सगुना जीजी का पुनर्जन्म हो ना, वैसी वो छोरी भानुमती का पुनर्जन्म है। एलना भी आदिनाथ को हर खतरे से बचा लिया करती थी, कभी भी आंच तक ना आने दी आदिनाथ पर। बस हम यहाँ विधि या भानुमती की तारीफें सुनने नहीं आए, हमें अबीर को बेइज्जत करना है, और वो तभी होगा जब वो पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार होगा। अगर इस 2 घंटे की मोहलत में विधि ने अबीर को ढूंढ लिया तो हमारा ये सपना सपना ही रह जाएगा। विधि को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसकी हर एक चाल पर हमें नजर रखनी होगी। जी जी, ये काम तो यहाँ बैठे बैठे भी कर सकते हैं अपने काले जादू से। अब ये कौवा मारे को विधि की हर हरकत को दिखा देगा। तूने हर कदम पे हमारा साथ दिया, इस कदम पे भी हमारा साथ दे माँ। हमारे को शक्ति दे कि हम पहले बनासा को ढूंढ ले, फिर उसके बाद तू जो चाहती है ना वैसा ही होगा। शुक्रिया, लेकिन अभी मारे को हमारी जान की परवाह ना है, हमें बनासा को ढूंढना होगा। चल चल रामबो, चल। जी जी, अरे वो विधि दिख रही है। कहाँ है वो? वो अबीर के पास जा रही है, वहां पहुंच गई है। उसके साथ एक कुत्ता भी है जो उसकी मदद कर रहा है। जरूर वो कुत्ता रैम्बो ही होगा जो विधि की मदद कर रहा है। नहीं, हमें इस विधि को रोकना ही होगा। फिकर ना करो जीजी, मारे को मालूम है कि विधि को कैसे रोकना है। के अंदर है, हम एक काम करते हैं, हम अंदर जाते तो तुम यहीं रहना।
ठीक है? जीजी, अब इस गोल चक्कर में आकर खड़ी हो जाओ। इस सब से क्या होगा? तुम्हारा ये काला जादू रोक पाएगा विधि को? रामबो को जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी, बनासा यहां थोड़ी होंगे, इतनी अजीब जगह। जीजी, देख हमारे जादू का कमाल, वो चिड़िया इस पिंजरे में कैद हो गई। जब तक हम नहीं जाएंगे, विधि इस माया जाल से आजाद नहीं हो पाएगी।